प्रतापगढ़ के बेला पुलिस की चेकिंग से अपराधियों में मचा हड़कंप। प्रतापगढ़ में लगातार चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बेला पुलिस चला रही है लगातार चेकिंग अभियान। पुलिस अधीक्षक एस आनंद के नेतृत्व में जिले भर में स्थान बदल बदल कर लगातार चेकिंग कर रही है बेला की ट्रैफिक पुलिस। आदर्श आचार संहिता को देखते हुए संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई, कई वाहनों का चालान भी काटा गया। इस मामले में बोले ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह, शासन की मंशा है कि लगातार चेकिंग की जाए। देखिए ये शासन की भी मंशा है, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय इस विषय में बहुत जोर दे रहे हैं कि वाहनों की चेकिंग रात में, दिन में, यहाँ तक कि 24 घंटे उनका रहता है कि 24 घंटे चेक किया जाए। ये फोर व्हीलर गाड़ियाँ काले शीशा जो लगाए हुए हैं इनका, और आचार संहिता जो लगी हुई है, इलेक्शन के दृष्टिकोण से हम लोग कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई दुर्घटना या उस तरह की बात ना हो पाए। जगह बदल बदल के करते हैं हम लोग, दो दो घंटे जनपद के विभिन्न चौराहों पर जा करके, जहाँ पे संदिग्ध लोग समझ में आता है या उस तरह की गाड़ियाँ निकलती हैं, बॉर्डर पर भी करते हैं। पूरे ज़िले में हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की चालान करवा रहे हैं, चेक करवा रहे हैं, और कामयाबी भी मिल रही है। चालान हम लोगों ने किया है, आज की डेट में भी दो घंटा हुआ है हमें, नियर अबाउट 24 चालान हुए हैं, जिसमें कि 7 गाड़ियां फोर व्हीलर हैं। फोर व्हीलर गाड़ियों को जो काली फिल्म लगा के चल रही थी उनको रोका गया है, और जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, और 7,000 करीब जुर्माना अभी तक हुआ है, और एक घंटे बाद दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। नरेंद्र सिंह ने कहा आचार संहिता को देखते हुए स्थान बदल बदल कर लगातार चेकिंग की जा रही है। 7,000 तक का चालान भी काटा गया है, 7 बड़ी गाड़ी समेत 14 बाइक का कटा है चालान। आपको बता दें चिलविला ओवरब्रिज के पास की जा रही है चेकिंग। चेकिंग होने से मचा हड़कंप। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से टाइम सिटी न्यूज के लिए केशव पांडे की रिपोर्ट।